हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप रियल क्रिकेट 18 के अंदर टेस्ट मैच में एक्सपर्ट मोड में किस तरीके से आसानी से विकेट्स ले सकते हो। वो भी मैं आपको एक या दो विकेट लेके नहीं बताऊंगा, कंप्लीट 10 विकेट्स लेकर बताऊंगा, वो भी लेटेस्ट वर्जन में। तो इस ट्रिक के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं दोस्तों, जिसे आपको समझना जरूरी है, तभी आपको विकेट्स मिलेंगे, वरना विकेट मिलने के बाद भी आपको विकेट्स नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखना अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दो, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में मिलेगा बेल आइकन, उसको भी कर दीजिए प्रेस, ताकि हमारी तरफ से मिलने वाली कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ट्रिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि फील्डिंग प्लेसमेंट। तो फील्डिंग प्लेसमेंट आपको वैसी लगाना है जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए फील्डिंग प्लेसमेंट है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए इसी के तरीके से जो है फील्डिंग प्लेसमेंट आपको लगाना है। तो फील्डिंग प्लेसमेंट ऐसी लगाना है जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। फील्डिंग प्लेसमेंट हो जाने के बाद में दोस्तों आपको ये बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके सामने राइट हैंडेड बैट्समैन होगा तो आप अपने राइट साइड से गेंद करोगे, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होगा तो अपने लेफ्ट साइड से गेंद करोगे। इसके बाद बॉल आपको पिच का करवाना। तो यहाँ आप देख लीजिए, आपको जो बॉल पिच करवाना है उसका ब्लू सर्कल जो है वो बैट्समैन के शूज़ के बिल्कुल लाइन में आना चाहिए, या तो आप थोड़ा उसको अंदर भी ले सकते हो। लेकिन अगर वो ब्लू सर्कल की लाइन शूज़ के बाहर हो जाएगी तो LPW तो होगा, लेकिन तो भी आपको वो नॉट आउट मिलेगा, क्योंकि वो पिचिंग लेग स्टाम्प के बाहर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों आपको ऐसी स्पिन सिलेक्ट करना है जो लेग स्टाम्प से होते हुए ऑफ स्टाम्प की तरफ जाती है, और यही गेंद आपको हर बार करना है। इसके बाद बात आती है परफेक्ट स्पीड की। तो कोशिश कीजिए परफेक्ट स्पीड आपकी हर गेंद हो, ताकि आपको विकेट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। और जैसे आप ये सब बातों का ख्याल रखोगे तो आपको विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे। अब ये हमारे सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन से हमारे लेफ्ट साइड से गेंद करेंगे, बॉल को रखेंगे शूज़ के बिल्कुल लाइन के अंदर, पिचिंग गेंद करेंगे लेग स्टाम्प से ऑफ स्टाम्प की तरफ, और परफेक्ट स्पीड की कोशिश करेंगे, और ये देखिए हमें फिर से एक विकेट मिला। तो अब बात कर लेते हैं ट्रिक के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। सबसे पहले ये बात कि दोस्तों ये ट्रिक को आप डायरेक्टली एक्सपर्ट मोड में मत ट्राई कीजिए। सबसे पहले आप जो है इजी लेवल पे इसको खेलिए, उसके बाद मीडियम, उसके बाद हार्ड, और उसके बाद एक्सपर्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एक्सपर्ट मोड में परफेक्ट स्पीड गेन करना मुश्किल होता है। अब ये ट्रिक के लिए परफेक्ट गेन करना जरूरी होता है, तो इसलिए पहले आप इजी लेवल पे खेलिए तो आपको आसानी से विकेट मिलेंगे, आपको ये ट्रिक समझ में आएंगे। उसके बाद जो है अपने लेवल को ग्रो कीजिए, तो तब एक्सपर्ट लेवल के ऊपर विकेट मिलना आपको आसान जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस ट्रिक का ये है दोस्तों कि जब तक ओपोनेंट टीम के पास में 2 रिव्यू बचा हुआ है, तब तक आप इस बात का ख्याल रखिए कि जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उसके सामने राइट हैंडेड स्पिनर को ही यूज़ कीजिए, और अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है तो उसके सामने लेफ्ट हैंडेड स्पिनर को ही यूज़ कीजिए। जब अपना टीम के दोनों रिव्यू खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप किसी भी स्पिनर से, किसी भी हैंडेड वाले स्पिनर से बॉलिंग करवा सकते हो किसी भी बैट्समैन को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब आप राइट हैंडेड बैट्समैन को राइट हैंडेड बॉलर से गेंद करवाओगे तो कौन ज़्यादा बनेगा, ऐसे में LPW तो होगा, लेकिन कौन ज़्यादा बनने की वजह से उसका जो पिचिंग होगा वो होगा लेग स्टाम्प के बाहर, जिसके वजह से वो नॉट आउट हो जाएगा। तो जब तक 2 रिव्यू बचे हैं ओपोनेंट टीम के, तब तक आप ये कोशिश कीजिए कि राइट हैंडेड बैट्समैन को जो है लेफ्ट हैंडेड बॉलर से, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को राइट हैंडेड बॉलर से गेंद करवाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको आसानी से विकेट्स मिलेंगे। फील्डिंग प्लेसमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसे फील्डिंग प्लेसमेंट मैंने आपको बताया वैसी फील्डिंग प्लेसमेंट करना है। परफेक्ट स्पीड कीजिए, परफेक्ट स्पीड अगर आप करोगे तो विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और गेंद को इस तरीके से पिच करवाना है कि उसकी जो ब्लू लाइन है वो बिल्कुल बैट्समैन की शूज़ पे हो, या तो शूज़ के अंदर हो। अगर आप ऐसे गेंद करोगे जो शूज़ के बाहर जा रही है, तो ऐसे में पिचिंग जो है लेग स्टाम्प के बाहर हो जाएगा और आपको नॉट आउट हो जाएगा। और हमेशा ऐसी स्पिन यूज़ कीजिए जो लेग स्टाम्प से ऑफ स्टाम्प की तरफ जाती हो। तो इन सब बातों का दोस्तों आप जब ख्याल रखोगे तो आप चाहे एक्सपर्ट मोड में खेल रहे हो या चाहे आप इजी मोड पे खेल रहे हो, इस ट्रिक से आपको विकेट्स जरूर मिलेंगे। एक ही तरीके गेंद बार बार करके दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने 10 विकेट्स आपको लेके बता दिया, वो भी एक्सपर्ट मोड में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।